हेलो फ्रेंड्स, टुडेज वी विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसकी वजह से, जिस पर कोई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उस पर उसकी वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो उसमें हम कंसिडर करें कि जो एक लीनियर वायर का क्रॉस सेक्शन है, और उस क्रॉस सेक्शन का हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एरिया S1 विच इज कर्व सरफेस एरिया, एरिया S2 विच इज लोअर पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट मीन्स सर्कल सर्कुलर एरिया, एंड अपर पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन विच एरिया इज सर्कुलर पार्ट S3। अब S1, S2 एंड S3 तीन तरह के हमारे पास में यहाँ एरियाज हैं। अब इस पर जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने इस पर जो कंसिडर किया है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स हमारे पास में जो सबसे पहले अगर हम लेवें कि लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ एरिया DS1। आप देखें इसके अंदर यहाँ एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोथ आर सेम। यहाँ पर एरिया की जो स्मॉल सेगमेंट DS3 ले रखा है, यहाँ एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है DS3, बट E3 जो है इसके परपेंडिकुलर है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, E2 और DS2 दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एरिया डाउनवर्ड की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है इसकी रेडियल डायरेक्शन में है। तो अब आप देखें, हम इन तीनों ही सेक्शन में हम लेते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर लॉन्ग वायर फाई इक्वल टू, आप देखें S1 E DS1 प्लस S2 E.DS2 प्लस S3 E.DS3 ये 2 और 1। ये जो टोटल हमारे पास में जो फ्लक्स है वो हमारे इन तीनों तीन तरह के एरियाज की वजह से होगा। तो आप देखें हमारे पास में ये जो है फाई इक्वल टू E1 DS1, ये जो E1 DS1 दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो ये हो जाएगा E DS cos 0 प्लस E2 DS2 cos π/2 प्लस E3 DS3 cos π/2, इट मीन्स 90 डिग्री। देन वी टेक फाइ इक्वल टू, ये जो वैल्यू है वो E1 DS1, बाकी दोनों ही टर्म हमारे 0 हो जाएगी। तो आप देखें हमारे पास E1 जो है वो हमारे ये E1 और DS जो है टोटल एरिया जो है हमारे पास में, इसको हम इस तरीके से ले लें, तो उस केस में हमारे पास जो स्मॉल सेगमेंट हमने ये जो कर्व सरफेस का लिया, वो टोटल एरिया जो इसका L लेंथ की वजह से कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल टू 2πRL हो जाएगा। तो उस केस में ये हमारे पास में 2πRL इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको E1 को E से डिनोट करें तो ये 2πRL इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब आप देखें बाई गॉसेज लॉ
phi equal to sigma q upon epsilon zero. It means phi equal to total जो charge है इस पर q है, तो उस केस में ये epsilon zero हो जाएगा. अब आप क्या करें, इन दोनों को आप सेम करें. उसके पहले एक काम करें, यहाँ तीन तरह के जो चार्ज होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. कैसे कि अगर एल लेंथ पर चार्ज जो है आपके पास में अगर क्यू है सपोज, यानी डेल्टा एल पर अगर डेल्टा क्यू ले लें, तो यूनिट चार्ज होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल. दिस इज लेमड़ा का लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो ये हो जाएगा आपके डेल्टा क्यू इक्वल टू लेमड़ा डेल्टा एल. इसको जनरली हम क्यू इक्वल टू लेमड़ा एल से डिनोट करें, क्यू इक्वल टू लेमड़ा एल. तो यहाँ पर हम इसमें, क्योंकि हमारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक यूनिफॉर्मली वायर, देयरफॉर फाई इक्वल टू क्यू इक्वल टू लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर टू. अब हम दोनों ही इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं, इक्वलाइज करें. तो ये फाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं. दिस इंप्लाइज ई डॉट टू पाई आर एल इक्वल टू लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इंप्लाइज ई इक्वल टू, आप देखें एल से एल कैंसिल, तो ये हो जाएगा लेमड़ा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास में आ जाएगा. आप इससे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी इसको यूँ कह सकते हो आप ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर. ये इसका फाइनल है. आप चाहें तो इसका ग्राफ भी ले सकते हैं. आप देखें आर और ये ई, तो ये ग्राफ इस तरीके से डाउन जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ. आर जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे ई कम हो जाएगा. तो इस तरीके से हम एक यूनिफॉर्मली जो इन्फाइनेट लॉन्ग वायर है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं.